नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 4 के लेसन 1 से एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन है, ए मैन सेव्स ₹78 पर मंथ, हाउ मच विल ही सेव इन 4 इयर्स। एक आदमी ₹78 एक महीने में बचाता है, तो वो 4 साल में कितने रुपए बचाएगा। क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हमें 4 इयर्स को मंथ में बदलना होगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 4 साल में 48 महीने होते हैं। अब हम इस 48 मंथ को 78 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अठी 64 का 4, बाकी 6 8 56 और 6 65, 4 8 32 का 2, बाकी 3, 4 7 28 और 3 31, 4 का 4 2 2 4, 6 और 1 7, 3 का 3, 3744 रुपए। 4 साल में इतने रुपए 78 रुपए के हिसाब से बचता है। तो इस प्रकार से हम स्पष्ट होता है कि हम कैसे पहले वर्ड प्रॉब्लम वाले मैथ को समझते हैं और उसके बाद उसे बनाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 1 bale of cotton कॉस्ट ₹789, हाउ मच विल 1 dozen bale कॉस्ट। 1 bale of cotton की कीमत ₹789 है, तो 1 dozen bales की कीमत क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि 1 dozen bales में कितने बेल्स होते हैं। वन डजन बेल्स का मतलब होता है 12 बेल्स, एक दर्जन में 12 होते हैं। 1 dozen means 12। अब हम 789 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 18 का 8, बाकी 1 2 16 और 1 17 का 7, बाकी 1 2 7 14 और 1 15 का 15। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 1 को 8 से करेंगे 8, 1 को 7 से करेंगे 7। अब हम ऐड कर देंगे, 8 का 8, 9 और 7, 16 का 6, बाकी 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4, बाकी 1 7 और 1 8 और 1 9, 9468। इस प्रकार 1 dozen bales की कीमत 789 रुपए के हिसाब से 9468 होता है। एक बेल की कीमत 789 रुपए, तो 1 dozen bales की कीमत 9468 रुपए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस आपके लिए बना के लाऊंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।